और पूरे 5 करोड़ ऊपर का उसने पैसा ले लिया है मुझसे। अब मेरा एक 60 लाख का घर है 2 BHK अहमदाबाद में, वो गिरवे रखवा दिया। 17.5 बारी गोल्ड वो गिरवे रखवा दिया। 2 गाड़ियां है i10 नेक्सन, दोनों मतलब गिरवे रखवा दिया, कहीं रख दिया है। मेरा 50 लाख का पर्सनल लोन मुझसे लिया और अभी दे नहीं रहा। मैं 25 अक्टूबर को फिर से यहाँ आई, भाग गया हूँ। मेरा मेरे बच्चे का और मेरा गला घोटा, स्पाइन पे मुझे इफेक्ट हुआ है। अभी बॉन्ड पुलिस ने कंप्लेन तो ले लिया है पर बॉन्ड पुलिस वर्क नहीं करा, FIR है मेरे पास। मैं हिरल मोदी अहमदाबाद गुजरात से हूँ। अभी मेरा मैं मनोज कुमार नायक से शादी किया था मैंने, नरसिंहपुर गांव बॉन्ड तहसील भद्रक डिस्ट्रिक्ट में। अभी वो 4 साल मेरे साथ रहा, पैसे बिजनेस बनाया, पैसे बनाए, फिर वो लेके भाग गया। अभी 2 साल का बच्चा है कियान मनोज कुमार नायक। अभी हम 9 जनवरी 2024 से ओडिशा में है। बिजनेस का पैसा यहाँ करके आया था, वो देखा तो बिजनेस ही नहीं था। और पूरे 5 करोड़ ऊपर का उसने पैसा ले लिया है मुझसे। अब मेरा एक 60 लाख का घर है 2 BHK अहमदाबाद में, वो गिरवे रखवा दिया। 17.5 बारी गोल्ड वो गिरवे रखवा दिया। 2 गाड़ियां है i10 नेक्सन, दोनों मतलब गिरवे रखवा दिया, कहीं रख दिया है। मेरा 50 लाख का पर्सनल लोन मुझसे लिया और अभी दे नहीं रहा। मैं 25 अक्टूबर को फिर से यहाँ आई, भाग गया हूँ। मेरे बच्चे का और मेरा गला घोटा, स्पाइन पे मुझे इफेक्ट हुआ है। अभी बॉन्ड पुलिस ने कंप्लेन तो ले लिया है पर बॉन्ड पुलिस वर्क नहीं करा, FIR है मेरे पास। मैं दिखा सकती हूँ, अब वो ना पैसा लेके भाग गया, टॉर्चर किया, मारा पीटा। अभी उसके माँ बाप ने भी मेरे साथ बहुत बदसलूकी, खाना भी नहीं दिया। तो अभी मुझे ऐसा है कि मनोज मुझे मिले और मुझे पेमेंट रिकवरी करके दे। मैं बिजनेस तो मेरा अहमदाबाद में IT सर्विस का चल रहा था, रैंकवे टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा एक बिजनेस, 4 पेइंग गेस्ट थे मेरे, वो भी चूना लगाया मनोज ने। अभी पोटेटो ओनियन का बिजनेस उसने यहाँ मतलब ट्रांसफर किया था अहमदाबाद से, 3 करोड़ का कुछ था, पर यहाँ बिजनेस किया ही नहीं उसने, है ना। तो अभी मुझे मनोज को ढूंढ के पेमेंट रिकवरी चाहिए। मुझे CID क्राइम ब्रांच में अपना केस डलवाना है ताकि मेरा पेमेंट रिकवरी हो जाए, है ना। कितना पेमेंट? 5 करोड़ ऊपर का ही है। मनोज मुझे मेरे मतलब मैं जहाँ जॉब करती थी IndiaSEO प्राइवेट लिमिटेड, डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, वहाँ मिला था। और उसने शादी के लिए प्रपोजल डाला तो वो अच्छा इंसान था, अच्छे से रहा। मैं सेल्स का मतलब देखती थी वहाँ, तो मैं काम लाती थी, तो मुझे लगा कि अच्छा इंसान है, मुझे काम करके देगा IT का। तो बिजनेस साथ चल ही रहा था फ्रीलांसिंग का, फिर शादी कर दी। तो अभी बच्चा कंसीव होने के बाद सब GST के गफले किए, जब बिजनेस बढ़ने लगा, सब होने लगा, है ना। अभी वो फरार है, अभी मनोज को कोई पकड़ नहीं रहा। SP सर के पास 4 दफ़ा जाके आई, SP भद्रक श्री मडकर सर जो है, फिर IIC बल्लभ सर है वहाँ बॉन्ड पुलिस के, बॉन्ड पुलिस स्टेशन के SI मल सर है, कोई काम नहीं कर रहा। मनोज कहाँ है सबको पता है, पर कोई सब बोलते हैं पर्सनल मैटर है, ये हमसे नहीं होगा करके। हाँ पूरा फ्रॉड है। मतलब 9 जनवरी 2024 को जब 1 साल पहले यहाँ आई मैं, इसी साल में तब पता चला। हाँ क्योंकि हमारे पैसों से घर बनाया, वो दिखता था, प्लस मतलब बिजनेस है ही नहीं। मैं ससुराल मतलब पेमेंट यहाँ आए करके वो बोला तो मैं आई। मुझे आज तक यही बोलता था, मेरे पापा तुझे नहीं बुलाए, मेरे पापा बड़ी पोस्ट पे, पापा तो कुछ है ही नहीं, पापा कुछ काम नहीं करते उसके। कौन सा पार्टी का है? उसके दादाजी BJD में थे, अभी वो नहीं रहे, हरिबंधु नायक। तो आपको अभी CM के घर निकले आए था, क्या चाहिए वो क्या? चीफ मिनिस्टर सर जो श्री मोहन चरण मांझी सर है, वो मिल नहीं पाए, कुछ काम में हो गए। पर यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर है, जो उन्होंने हेल्प किया है कि अभी हम बात करवाते उनकी चीफ सेक्रेटरी से। अभी वो बॉन्थ में ही है, पुलिस को पता है कहाँ है, IIC को पता है, SK SI को पता है, पर उनको धरना नहीं है। एक दिन माँ बाप को
उन्होंने ये जेल में नहीं डाला, सबके अकाउंट में पैसे गए हैं। 5 महीना मतलब मनोज को शेल्टर दिए अपने घर में, पूछा नहीं उसके माँ बाप ने कि बीवी बच्चे कहाँ गए। तो सब हाँ पेरेंट्स की मर्जी से शादी हुआ था, उसके पेरेंट्स को पता है मेरी शादी हो रही, और मेरे पेरेंट्स आए थे मेरी शादी में, मतलब वहाँ अहमदाबाद में शादी हुई थी, कोर्ट मैरिज। तो